सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। जी मैम। चेयरमैन है गोदा तालियां के लिए। अब मैं कहती हूँ कि ये बुके भी साइन इनको प्रदान करा या शेष पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यां पहा निशेष जाड्यां पहा निशेष जाड्यां पहा। धन्यवाद। Again, once again, I extend my warm thanks to Chairman of Jammu Kashmir Teacher Forum, Shri Ganesh Khajuria Sir, our ex-panch Shri Jagdish Rajji, Suraj Singh Tufani Sirji, thank you so much, sir. MD of Dainik State Samachar, Shri Shamshir Singh Ji. Then we would like to extend our thanks to our head sir, Shri Inderjeet Singh Jambal ji. Thank you so much, sir, for taking the initiative to plan to arrange this wonderful celebration. Sir, you are our inspiration. Further, we would like to say thank you to all our teaching and non-teaching staff for making efforts for the successful organization of our School Republic celebration. All the choreographers, especially Shri Ajay Kumar Saini sir, with a round of applause, sir, thank you so much for your contribution. Dr. Tanu Sharma madam, इन्होंने भी कोरियोग्राफी में काफी बच्चों का जो है कोरियोग्राफ किया है आइटम्स को। मैडम प्रभा मिन्हास और शैलजा जमुरिया मैम मेरे साथ मेरी को एंकर और मैनेजमेंट कमेटी डिसिप्लिन कमेटी रिफ्रेशमेंट कमेटी जो हमारे इंचार्जेस बने थे मेंबर्स थे उनका मैं तह दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी बहुत ही योगदान रहेगा। इट्स अ टाइम टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अब मैं यहाँ पे जितने भी ग्रामवासी हैं बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका तह दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने बड़ी ही पेशेंस से हमारे कार्यक्रम को जो है रंगारंग कार्यक्रम की शान बढ़ाई है। कोई भी कार्यक्रम तब तक जो है सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसे देखने के लिए दर्शक नहीं है। थैंक यू सो मच। फाइनली वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल अवर सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारे कैमरामैन, हमारे डीजे वाले और जो भी हैं जिनका मैं नाम ना भी ले पाऊं, आप जो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। जहां पर आए हुए मेहमानों से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी विंटर वेकेशन थी तो मोस्टली वो एक्सटेंशन चलती गई तो हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम पूरी एक प्रॉपर रियासत के साथ आए, लेकिन जो भी हमें समय मिला हमने जो हमारे स्कूल का टैलेंट है हमारे प्यारे बच्चे जिनकी खातिर हम जहां पर हैं और मेरा स्टाफ इन्होंने मिलके जो जितना भी हो सकता था जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे वो सभी को इस्तेमाल करते हुए
हमने एक ये रंगारंगा सा रंग रंगा सा प्रोग्राम रखा था इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। जितने भी मान्यवर मेरे गेस्ट आए हुए हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, ये मेरे बच्चों ने आज प्रूव करके बता दिया है। और सांधवा में जो मैं एक छोड़ के जाऊंगा आने वाला जो होगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगी कि इसको आगे ले जाना इसी तरीके से जैसे मैं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के पहले जो हमारे हेड मास्टर मोहन सिंह सर थे वो आज नहीं आ पाए हैं, उन्होंने जो स्कूल जहाँ छोड़ा था मैंने वहीं से शुरू किया था। और उम्मीद करता हूँ सरपंच साहब जहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग तो चले जाएंगे, ये आपका असेट्स है, आपका स्कूल है, आपके बच्चे हैं, ये आप लोगों की प्राइम ड्यूटी है कि इसको संभाल कर रखना। आपकी आवाज़ जो है वो ऊपर तक सुनाई देती है एज कम्पेयर टू हम इम्प्लॉइज, लेकिन आज हम बड़े दुर्भाग्य बड़े खुश नसीब है हमारे कि हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटीज आई हुई हैं, हमें कोई जरूरत नहीं किसी और की। हमारा जो प्रोग्राम है पूरे आपके नॉर्थ इंडिया में ये टेलीकास्ट होगा, क्योंकि शमशेर सिंह चार जी ने मुझे बोल दिया है कि आपका जो प्रोग्राम है ये पूरा हम अपने प्रिंट मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूरा का पूरा इसको हम बताएंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी आप लोगों को ये बताना खुशखबरी बनाना चाहूँगा कि हमारे नेता श्रीमान गणेश खजूरिया जी जो जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के चेयरमैन हैं और एक ये यूटी के चेयरमैन हैं, एक जम्मू के नहीं है, 22 इंसान जिसको कश्मीर की लीडरशिप ने भी माना कि हमारा अगर कोई नेता हो वो गणेश खजूरिया जैसा हो और वो आज हमारे बीच में है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने बोला है मुझे कि जो जितने भी वीडियोस हैं खासकर जो तरुण का जो फौजी का वीडियो है मुझे अभी व्हाट्सएप कीजिए और मैं अभी डायरेक्ट साहब को व्हाट्सएप करता हूँ कि देखो हमारे स्कूल का टैलेंट कहाँ खड़ा है। सिर्फ यही है कि अभी हमें जोरावर से स्टेडियम जा टीचर भवन कहीं मिल जाता तो मैं मुझे यकीन है कि उनकी परफॉर्मेंस जो की है इसे भी 100 times बेटर होगा। और सबसे बड़ा योगदान हमारा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर हमारी मातृशक्ति का है। जब भी पीटीएम होती है ये जो मेरी सपोर्ट बैठी हुई है मेरे साथ खड़े होते हैं, जितनी भी स्कीम्स हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की होती हैं, जितने भी कैलेंडर्स हमें चूज होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करो, और इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा योगदान लोगों का होता है। फॉर एग्जांपल ड्रग के ऊपर इतने प्रोग्राम हुए हैं वो हर हफ्ते जो है इन लोगों को बताते हैं और उसका असर भी हुआ, उसका बहुत असर हुआ। उसके बाद सबसे जो बड़ा एक स्कूल की अचीवमेंट मैं आपको बताता चलूं कि मैंने 2022 में जब यहाँ ज्वाइन किया था उस टाइम हमारे स्कूल की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 87 थी। उसके बाद 2023-24 में हम लोगों ने हमारे स्टाफ ने बड़ी मेहनत की, हमारा एक प्रोग्राम आया था आओ स्कूल चले हम, उस प्रोग्राम के तहत हमने रैलीज निकाली, डोर टू डोर लोगों के घर में गए, उनको हमने गवर्नमेंट की स्कीम बताई कि हमें आप बच्चों को स्कूल भेजो, गवर्नमेंट क्या क्या आपके लिए कर रही है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2023-24 जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 130 होगी। हमने 43 स्टूडेंट्स डे लाए हैं, वो 43 स्टूडेंट्स जो किसी कारण हमारे अफसरशाही के कारण मैं बोलूंगा कि वो स्कूलों में नहीं आ पाए। जब मैंने लोगों को पूछा कि आज आपका बच्चा 7 साल का हो गया 8 साल का हो गया आपने स्कूल क्यों नहीं भेजा, कहते सर हम 2 बार स्कूल गए हैं, मैडम कहती है आपका आधार कार्ड नहीं आपकी एडमिशन नहीं होगी। भाई ये कौन सी बात है, एक बच्चे का 2 साल आपने वेस्ट कर दिया इसके ऊपर कि उसका आधार कार्ड नहीं है। मैंने बोला कि बच्चों को स्कूल में लाओ, एडमिशन करो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद हमने आधार कैंप भी लगाया, आधार कार्ड भी बनाई और बच्चे आवाज हमारे पास 130 बच्चे। जहां तक हमारे दैनिक स्टेट समाचार के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शमशेर सिंह चार जी का सवाल है, ये मुझे भी गर्व है कि वो मेरे भतीजे भी हैं और मेरा स्टूडेंट भी है। मैं पहले भी आपको बोलता हूं कि किसी भी स्टूडेंट की जो कामयाबी होती है वो सिर्फ 2 लोगों को खुशी होती है, तीसरे को किसी को नहीं होती है। एक उसके माँ बाप को होती है, दूसरे उसके टीचर्स को होती है। और आज ये खुला खुद कोई अपना एक बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये कितने लोगों का जरिया है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। आज इनका न्यूज़पेपर पूरे नॉर्थ इंडिया में है, पंजाब में है, हिमाचल में है,
राजस्थान में है, चंडीगढ़ में इनका ऑफिस चला शिफ्ट हो रहा अभी, तो इससे बड़ी खुशी की बात एक टीचर के लिए क्या होती है। दूसरा मैं इनका ये भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें इन्वाइट किया है कि आप सर अब स्टाफ और विद स्टूडेंट्स के साथ हमारी प्रेस में आइए, हम बच्चों को बताएंगे जर्नलिज्म क्या है, प्रेस में जो अखबार की प्रिंटिंग कैसे होती है, तो हम इनका न्योता स्वीकार करते हैं और जल्दी जल्दी हम एक टूर अपना शेड्यूल करके हम इनको मैसेज कर देंगे। ये वाइस एक्स है और इनके जो रिपोर्टर्स जहां आए हुए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आज के टाइम में रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है। पर्टिकुलरली इनका रिपोर्टर दीपक सिंह जम्बाल आया हुआ है, उसने जो ड्रग्स माफिया के ऊपर अटैक किया हुआ है, मैं उसके लिए इसको सैल्यूट करता हूं कि कौन से रिक्स लेकर उसने कौन कौन से बेनकाब चेहरे किए हैं जो आज जेलों के बंद। इसी तरीके से इनका एक ही मोटो है कि सत्य को कभी छिपाएंगे नहीं और ना वो करते हैं, चाहे कितना भी बड़ी अप्रोच हो जाए, कितनी भी बड़ी शुरुआत हो जाए, ये नहीं मानते। जहां सत्य हम गरीब का है वो बताते हैं और बताना भी चाहिए। दूसरे खजूरी साहब, इनके बारे में मैं क्या बताऊं कि ये हमारे एजुकेशन के एक असेट्स हैं, ये हमारी इमानत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को जहां छोड़ के ये जा रहे हैं या जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि इसकी भरपाई कोई आने वाला कोई ऐसा लीडर कर सकेगा। लीडरशिप करने के लिए सबसे बड़ी मैं आप लोगों को बता दूं कि लगता बड़ा कि वो लीडर है, लीडर के पीछे की अगर हिस्ट्री देखोगे तो कोई नहीं कहेगा कि मैं लीडर बनना चाहता हूं। इसमें पूरी फैमिली सेक्रीफाइस करने पड़ती है। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को रात को कब घर वापस जाना कोई किसी को पता नहीं होता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे टीचर कम्युनिटीज के जो हमारे बच्चे हैं वो, क्योंकि हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी जो बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, जो हमें बच्चे जो मिले हैं हमारी यही दौलत है, इसके अलावा हमें कुछ और चाहिए भी नहीं। तो जब इनके बच्चे या हमारे ये स्कूल के बच्चे कहीं कामयाब होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ, जितने भी मेहमान जहां आए हुए हैं अपना कीमती समय निकाल कर आए हुए हैं, और मुझे पता है कि ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा लंबा चला, लेकिन जिसके पीछे इस प्रोग्राम के पीछे जो बनाने का एक मेहनत है, मैं उसको भी स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। मेरा प्रिय दोस्त भाई छोटा अजय सैनी, ये सारी कोरियोग्राफी सारा इसी का ही ये था कि इसने कहा कि सर 26 जनवरी करनी है। मैंने इसको बोला भाई तेरे को फ्री है ना, तूने जो करना कर, लेकिन मैंने ये कहा कि तू यार काम करना कि हम 26 के बजाय 27 को करते हैं, क्योंकि हमने सीईओ साहब को इनवाइट किया हुआ था तो उनकी कोई एक एमरजेंसी मीटिंग आ गई, तो उनका मैसेज आया कि मैं अच्छा लेट हो जाऊंगा अगर ना आ पाऊं, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं हम बाकी जो प्रोग्राम है शुरू करें। तो ये है कि जो बच्चों का टैलेंट वाला है ये इसी ने निखारा है, इसी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके बीच। और पूरा 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये बच्चों के साथ नाचता था, मैं इसको कहता हूँ या तो थोड़ा रेस्ट कर ले कि इस तरह से पहले तुम्हें बीमार नहीं हो जाना। तो ये हो गया। उसके साथ मेरे जो टीचर लोग हैं मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, खासकर जो मेरी एंकर दो है शांता जमुरिया और सुजाता मैम, इनकी बहुत अच्छी एंकरिंग रही है, डॉक्टर तनु शर्मा, प्रावा मैम, उसके बाद मेरी सिमी मैम है जिसका जितना भी रही मेरा जिस सभी के अंडर था। तो इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों सभी ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास इतनी दूर आए और सांदमा का एक नाम बनाया। अगर आज इसका नाम बनेगा तो ओनली आप लोगों के कारण बनेगा, हमारे बच्चों के कारण बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your valuable words and praise for us and students. Zordar taaliyan hamare bachchon ke liye aur hamare choreographers ke liye aur hamare liye. Main manch par baithe hue sabhi mahaan logon ka bachchon ko parents ko is Ganatantra Divas ki हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस तरह से बच्चों ने ये रंगारंग
कार्यक्रम का आयोजन किया और उनके साथ टीचर्स ने जिस तरह से उनका साथ दिया, मुझे मेरा आज बचपन याद आ गया। मैं आज सबको बच्चों के साथ विशेष तौर पर मैं ये साझा करना चाहता हूँ कि मैंने भी आप ही की तरह ऐसे ही स्कूल से अपनी शिक्षा हासिल की, ऐसे ही दीवारों पर ऐसा ही रंग, ऐसे ही बच्चे बैठे हुए जैसे आप, वैसे ही और विशेष कि आपके ही जो प्रिंसिपल हैं इंद्रजीत सर, वही मेरे गुरु रहे हैं, उन्हीं से मैंने शिक्षा हासिल की और आज आपके सामने इस मुकाम पर हूं कि मैं पूरे देश में पत्रकारिता की वो सेवा दे रहा हूं, जैसे सरहद पर एक फौजी सेवा देता है, पत्रकार भी उसी तरह से देश में अपनी सेवाएं देता है। मैं आज आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम है जो देखने वाले हैं, जिनके दृश्य जो हैं वो भावुक कर देते हैं, मैं इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूंगा कि आप सब बच्चों को एक दफा हमारे कार्यालय में विजिट कराई जाए, ताकि मैं बच्चों में से जो बच्चों का टैलेंट है उनमें से कुछ बच्चों को पत्रकारिता सिखा सकूं, पत्रकारिता दिखा सकूं कि किस प्रकार से पत्रकार अपने लिए, देश के लिए वो सेवा देता है, किस प्रकार देश के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहता है। आप बच्चों में वो टैलेंट देख के, बच्चों की वो खूबियां देख के मैं आज इस मंच के माध्यम से और अपने संस्थान के माध्यम से भी सरकार को ये अपील करूंगा कि इस स्कूल को बहुत अधिक सुविधाएं दी जाएं, ताकि स्कूल के जो बच्चों का जो टैलेंट है वो पूरे देश में दिखाई दे सके। धन्यवाद। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश विषादी संगीन पे दर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथ पथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस
खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद। खास करिए अस इन्हें लगातार कंटिन्यू दिखते आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, एक हाई फाई प्रोग्राम जड़ा है, चाहे वो 15 अगस्त हुआ है, चाहे वो 26 जनवरी हुआ है, और चाहे कोई और कल्चरल प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही एक मेहनत तरीके करना है और बहुत ही हार्ड वर्किंग करना है, बच्चे की तैयार किया जाता है और बच्चे की परफॉर्मेंस पर जेड़े साढ़े बिच बच्चे आए और जेड़े आने वाले ने अगे परफॉर्मेंस देने वाले वो बहुत ही टैलेंट बच्चे ने, मन खुश होंदा है क्योंकि मैं भी इस स्कूल दे विच पढ़ेदा, अस भी इस स्कूल जा फर्स्ट कोला लिए पढ़े हे, उस दे स्कूल दा और अज दे स्कूल दा बड़ा डिफरेंसेस ने और ये डिफरेंसेस जेड़े ने असें बनाए रखने ने और अगे आने वाला फ्यूचर जेड़ा है असें उसी फ्यूचर दी अगे भविष्य दी सुधारने लिए असें पढ़ना जरूरी है। मैं बार बार ये गल आखना कि लाइफ लई एजुकेशन जरूरी है। तुसे दिखिया है कि जिन्हें भी साढ़े बच्चे इतने बैठे देने हैं एक घर नहीं सीखी आए हैं, इन्हें सिखाने वास्ते इतने टीचर ने, मास्टर ने और ट्रेनर लोग ने, उनकी हार्ड वर्किंग का जोड़ा नतीजा है अज तुंदे सामने तुसे पेरेंट्स जुड़े भी आए देने तुसे दिखिया और बच्चे जेड़े साढ़े इतने बैठे देने पेरेंट्स जेड़े उन्दे बैठे देने अस उन्दे अगे भी रिक्वेस्ट करने कि जेड़े साढ़े स्टाफ के टीचर इतने बैठे देने उन्दे आईकॉन दिखिए, उन्हें दिखिए तुसें अपने बच्चे की भविष्य जेड़ा होंदा है एजुकेशन की साइड बढ़ाना है और आने वाला फ्यूचर जेड़ा होंदा है वो भी एक अच्छे टीचर हो, एक अच्छे ऑफिसर हो। और मैं गुजारिश करना कि जिन्ना भी साड़ा इतों का इस स्टाफ है साड़ा स्कूल का जेड़े अलाइज स्कूल भी है ना साड़ा आले दुआले जेड़े साढ़े इतने पाते हैं वो जिनी हार्ड वर्किंग करने काम करा देने बच्चे पढ़ा देना तुम दिखा दो छोटे जे ग्राउंड कोई एक ग्राउंड बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा जहा ग्राउंड है लेकिन एक अच्छी वर्किंग जिसकी मेहनत आखने तुस भी कर दियो मेहनत, लेकिन ये भी मेहनत है तुझे दिखा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस अस बड़े बड़े आई फाई फंक्शन च भी जन्ने लेकिन जो बच्चे इतने करते हैं मन खुश हो जाता है क्योंकि ये ग्रामीण बच्चे ने साढ़े अजीज ने साढ़े प्यारे बच्चे ने। पेड़ सके साड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है, मैं इतने प्रोग्राम दिखा रहा हाँ ये बड़े ऐसे प्रोग्राम आए जेड़े अलर्ट भी कर देना सही क्योंकि एक नशे पर प्रोग्राम आया। मेरे जिन्हें भी इतने पेरेंट्स साथी बैठे देने कुछ मेरे माता ने, कुछ मेरी भरजाइया ने, कुछ भरा ने जेड़े तुहाड़े बच्चे ने चाहे वो स्कूल च पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं लेकिन आज जरूरी है बच्चों की एजुकेशन तो जरूरी जरूरी है लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जेड़ा नशा नशा जेड़ा है वो जेड़ा आज दा बच्चा है वो जेड़ा आज दा नौजवान है उदा फ्यूचर जेड़ा है तबाह करा दा है। तुसे दिखे होना है सुने दे मोबाइल टीवी के पहले प्रोग्राम होंदे हे लोग आते हे फलाने दा बच्चा शराबी है तो उदे वास्ते शर्म दी गल होंदी ही लेकिन आज शराबी नहीं आज चिट्टे नां दी चीज चिट्टे नां दी चीज जड़ी है एक जहर बनी है तुहाड़े बच्चे दी बर्बाद करा दी है तुहाड़े बच्चे दा भविष्य खराब करा दी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। ये साढ़े स्कूल वास्ते बच्चे लई नहीं ग्राएं वास्ते नहीं पूरे हिंदुस्तान वास्ते एक मसला है कि इस आदत कोला जेड़ी है सोशल एबिल है इसी खत्म करने लई अपने बच्चे दी ये एक ऐसी बीमारी है क्योंकि जिस वेले बच्चा जड़ा है एक बारी अगर एदा पास चली आ एक बारी एदा नजदीक चली आ तो उसी पीछे करना बहुत जरूरी मुश्किल है फिर नहीं वो पीछा आ सकता क्योंकि ये बड़ी गंदी बीमारी है जेड़ी चिट्टे की बीमारी है। मैं उन्हें लोगों की याद करना जिन्हें लोगों साड़ा देश आजाद करवाया
आते ना नजर को अपनी बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को अपनी बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, किश्ती ना बदलो सिर्फ उसकी दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। वो लोग हैं, वो महान लोग हैं जिन्हें लोगों ब्रिटिश गवर्नमेंट को लड़िए संघर्ष करिए इस देश की आजाद करवाया। बच्चों जो पेरेंट्स बैठे ने साढ़े स्टाफ के टीचर ने जा कोई एक्स सर्विसमैन ने जा एक्स फौज जी ने बाकी भी जिन्हें स्टाफ के टीचर ने तुम सारे लोग जानते हो कि ये बलिदान ये जड़ी आजादी असे थाली विच पाई नहीं थोई थी, ये मुफ्त आजादी नहीं थोई थी साईं। जेडे आज के नौजवान साथी ने सानू उन्हें आगाह करना जरूरी है, बच्चों ये आजादी जड़ी है ये वास्ते साढ़े जेडे बुजुर्ग है जेडे साढ़े ओले दे फौजी है जेडे ओले दे राजनेता है बाकी जेडे अच्छी सोच वाले लोग है उन्हें संघर्ष करिए लड़ाइया करिए अपने परिवार दे बलिदान करिए बच्चों दी बलिदानियां देिए अपने परिवार दी बलिदानियां देिए फिर ये जेड़ा देश जेड़ा है सानू दी 1947 ब्रिटिश शासन ने मजबूर होइए घुटने टेकिए हिंदुस्तान दी सरकार दे अगे ये फैसला किया कि असें नहीं आजादी जीतेंगे। तो 15 अगस्त ही साड़ा देश आजाद होया लेकिन अस 26 जनवरी क्यों मनाने हैं? ये भी बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन तुसे बार बार आता है गणतंत्र दिवस जिन्हें भी साढ़े बच्चे बैठे थे ना सारे गणतंत्र दिवस का ऐसे असें भी आंदा रहा उस वेले असें कियां ऐसे तैयार करिए करते लेकिन गणतंत्र दिवस के बिच भी एक रहस्य है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जोड़ा दिन है इसी अस संविधान दिवस भी आखने इसी अस कॉन्स्टिट्यूशन दिन भी आखने क्योंकि साड़ा देश जोड़ा है 1947 तो याद हो गया लेकिन जोड़ा ब्रिटिश कानून हा वो आया भी लागू हा इस कारण उस तो बाद एक कमेटी बनाई गई जो साढ़े बाबा साहब उन्हें चेयरमैन बनाया गया और एक कमेटी का जोड़ा है एक विस्तार किया गया कि कानून जोड़ा है लॉ जोड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा है वो इंडिया का बनो और लगभग 3 साल को भी ज्यादा इन्हें लग्या तो 1950 के बिच संविधान जोड़ा है जिसी आ गणतंत्र दिवस आखने आजादी आखने सही महीने बिच उस दिन सू आजादी मिली ही। सूरज सिंह तूफानी जी वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम रमेश खजूरिया से हेडमास्टर हाई स्कूल कलोएं श्री जगदीश राज जी एक्स सरपंच नरेंद्र सिंह चिब जी वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्राविंस जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम भारत भूषण शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू जोविंदर सिंह चिब जी जोनल प्रेसिडेंट मढ़ जनरल सैकटरी रजिंदर सिंह जी मोजोन मढ़ बाकी जहां पर अलग अलग विभागों के कर्मचारी लोकल जहां के नागरिक स्टाफ मेंबरान और प्यारे बच्चों आज सब लोग जहां पर 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में इकट्ठे हुए हैं मैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने हाई स्कूल सुवांजना में एज ए हेडमास्टर ज्वाइन किया है। मैंने जो चीज देखी कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनमें कितने टैलेंट हैं। कल हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम था मैं बच्चों की टैलेंट देख के हैरान हो गया। आज अपने भाई के स्कूल में हूं जहां पर बच्चों की टैलेंट है बहुत सराहनीय है। मैडम हेडमास्टर साहब और उनकी जितनी टीम है जिन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार किया है उनको शुक्रिया अदा करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आजादी कैसे मिली हर एक को पता है। कई नौजवानों ने अपनी जवानी के दिन जो अपने परिवार में देने थे उन्होंने इसे दहेज के कारण शहादत दे दी और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। लगभग 2 वर्ष के बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जो हमारे संविधान की बाबा अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे उसको 26 जनवरी 1950 को ईसाइन को हिंदुस्तान में भारतवर्ष में लागू किया गया। उसके बाद
हमारा भारतवर्ष जो है वो अब आज की डेट में देखो दिन प्रतिदिन हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। उसका कारण ये है कि उसमें एक स्टेक होल्डर नहीं है, वो एक आदमी की देन नहीं, हर एक हिंदुस्तानी जिसकी सोच देशभक्ति के है वो हर उसका स्टेक होल्डर है, हर इसकी उसमें हिस्सेदारी है। तो मैं अपने टीचरों को फिर जहां पर जितने टीचर जहां पर थे मैं सबको बधाई देता हूं और अपनी तरफ से क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का यूटी का चेयरमैन हूं, सिर्फ जम्मू नहीं मैं कश्मीर का भी चेयरमैन हूं। और मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि हमने बहुत स्ट्रगल करके आज के जो नए टीचर हैं उनको शायद पता होगा क्योंकि हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। अगर 58-60 का मसला था मेरे वाइस प्रेसिडेंट साहब तूफानी साहब जहां बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा लोगों का सफर थोड़ा सा सफर रह गया। जो नए लोग मैं सबको कहूंगा कि आपको तन मन धन के साथ स्कूलों में भी काम करना चाहिए क्योंकि जो ब्रेक गरीब बच्चे हैं जो हमारा सेट है, जो हमारा डोमेन है, हमारा जो काम है वी आर टीचर्स वी आर मेंट फॉर टीचिंग। सबसे पहले हमारा जो काम है गरीब बच्चों को तालीम देना और उसके बाद राइट्स की बात अलग हमारी बात में। और जहां के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव मैं उनको कहूंगा, मैंने कल भी कहा था कि क्योंकि जो स्कूल चलाने में अहम आपकी भूमिका है, जो बच्चा है हमारे पास सिर्फ 6 घंटे रहता है, 18 घंटे माँ बाप के पास रहता है, माँ बाप की भी ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों पे नजर रखे क्या कि हमारे बच्चे कहाँ पे जाते हैं, बच्चे का साथ किसके साथ है, बच्चे के जो 18 घंटे हैं उसमें बच्चा हमारा क्या क्या कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, अगर कर रहा है पढ़ाई के लिए कर रहा है, किसी और साइड पे तो नहीं जा रहा, ये माँ बाप का भी फर्ज है। हर एक हम टीचर पर हर एक चीज हमने रखनी है, हाँ माँ बाप की अहम भूमिका। मैं अंत में यही कहूंगा कि गणतंत्र दिवस की रविंद्रजीत सिंह जी उनके टीम को बहुत बहुत बधाई और मैं अपनी तरफ से आज के प्रोग्राम के लिए बच्चों की हौसला के लिए 1100 रुपए जहां पर वृद्धि आपको दान करते देने में भेंट करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जो दूसरे नंबर पे हमारी परफॉर्म सारा सेकंड परफॉर्मेंस था जो सेकंड नंबर ऊपर है काले काओ और कोरियोग्राफर एक बार फिर इनके साथ आए अजय सर। जोरदार तालियां हमारे अजय सर के लिए और हमारे काओ के लिए। कोरियोग्राफर अजय सर जोरदार तालियां। सर कृपया साथ में थोड़ा